स्पेयर हो गया स्पेयर जिसकी रेडियस आपको कितने के बने टू ए हमारे पास टू ठीक है एक, एक दूसरा स्पेयर है जिसको हमने इसके कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है एंड इसकी रेडियस हमें दी हुई है ए ये ए डिस्टेंस होगा ठीक है अब देखो हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम फर्स्ट फ्यर यानी कि ए स्पेयर से हम इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ठीक है हम मान लेते हैं कि जो हमारा ए वाला स्फियर है इसका सेंटर ओरिजिन पे है इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं क्या है ओरिजिन ठीक है सो so, बी वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे अगर ये ओरिजिन पे है तो बी वाले के सेंटर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा ओरिजिन से दैट वुड बी टू ए प्लस थ्री इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपके पास थ्री ए कॉमा जीरो जीरो आ गया अब देखो हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए इनके सेंटर्स के समय सेंटर ऑफ मास का जो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पता चल जाएगा यानी कि फ्रॉम फर्स्ट फियर हमें फाइंड आउट करना था ना फर्स्ट ईयर से ही उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ठीक है तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे ये हो जाएगा xcm would be equals to m1x1 m2x2 या फिर इसको इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ लिख लेते हैं a एंड b कि हमने a और b के टर्म्स में ठीक तो ये हो जाएगा मास ऑफ ma x a मास ऑफ b ma

थीके? या फिर हम बोल सकते हैं जो सेंटर ऑफ मास होगा फ्रॉम द फर्स्ट करेगा अ डिस्टेंस ऑफ टू यानी कि यहाँ कहीं लाइक करेगा ठीक है यहाँ पे ठीक है सो हम बोल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर आई होप आप सबको समझ आया होगा थैंक यू सो मच